standing on the deck of a ship which 10 meter above the water level. So suppose करिए कि ये बंदा सिप पे खड़ा है और ये वाटर लेवल से कितना है 10 मीटर अबव है. सो इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर आप यहाँ पे बना लीजिए. ये 10 मीटर हो गया. आगे कह रहा है ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, यानी कि ये जो बंदा है ये हिल को देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है टॉप को. सो यानी हिल क्या है, ऐसे है ना, और यहां से देखने पे उसे ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. ये लो, ये बन गया आपका 60 डिग्री, ठीक है. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री. सो यहां से बेस को देखने पे हिल के, ये हिल है इसका बेस जब देख रहे हैं सो यहां से डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का. कितना है 30 डिग्री लीजिए. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन द हिल फ्रॉम द शिप. सो ये डिस्टेंस आपको बताना है. सो ये डिस्टेंस हम एक्स लेट कर लेंगे, जितना ये होगा उतना ही ये भी डिस्टेंस होगा, क्लियर. और दूसरा चीज आपको हाइट बताना है हिल का, यानी कि ये आपको बताना है हाइट. ये आप कैपिटल एच ले लीजिए, ये हाइट बताना है, ठीक है. अभी ये डिस्टेंस आपको पता है, ये कितना है, ये तो आपको पता है ये 10 मीटर है. कैसे पता, तो जितना ये है उतना ही ये भी होगा, पैरेलल है तो ये 10 हो गया. अब ये जो डिस्टेंस है ये अपना हो जाएगा h माइनस 10 मीटर, ठीक है, ओके. सो अब देखो ये जो एंगल है 30 डिग्री डिप्रेशन, यहां पे भी एलिवेशन भी 30 डिग्री होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. अब देखो फिगर बन गया. फिगर बनाने का मेन पर्पज ये है कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये कंप्लीटली डिपेंड होते हैं फिगर पे. अगर आपने फिगर ठीक तरीके से बनाया तो ये क्वेश्चंस लग जाएंगे. फिगर में थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो क्वेश्चंस रॉन्ग आंसर डिलीवर करेगा, ओके. सो अभी हम आते हैं और 10:30 को हम डील करते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है, तो एक वेरिएबल रहेगा तो आसान है निकालने में. सो 10:30 लेंगे. सो 10:30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपना 10 है, बेस है अपना x, और रूट 10:30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3. सो 1/√3 और ये हो गया 10/x. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इक्वल टू हो गया 10√3, ये आपका निकल गया. सो ये हो गया 10√3 मीटर, ये डिस्टेंस. जितना ये है उतना ये भी है, तो आपने तो सिप से और हिल के बीच की डिस्टेंस आपने निकाल ली. अब हम आते हैं किसमें, ये निकल चुका है. सो इधर आते हैं 1060 में, ओके. तो 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर ये होगा, सो ये है h माइनस 10, ओके. सो h माइनस 10 अपॉन x है, तो x की वैल्यू हमने क्या ली है, 10√3. अब देखो 60 की वैल्यू होती है √3 1060 की. सो h माइनस 10 अपॉन 10√3, इतना अगर आ गया तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें. जब मल्टीप्लाई करेंगे सो √3 इंटू 10√3 और इधर हो गया h माइनस 10. अब देखो √3 √3 कट मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 बन जाता है, और 10 3 सा कितना होगा 30. 10 इधर से भी भेज दिया प्लस 10 हो जाएगा और ये h. सो h की वैल्यू हो गई अपनी कितनी,
30 प्लस 10 40 मीटर। सो हिल की हाइट भी पता है और डिस्टेंस भी पता है सिप और हिल के बीच।